बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज जो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही डिलीशियस कॉफ़ी है। ठीक है, उसके लिए हमने लिया है 4 टेबलस्पून शुगर, 4 टेबलस्पून जो है वो कॉफ़ी लिया हमने, मैंने नेस्कैफे के ली है, आप जो सी मर्ज़ी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, और उसके बाद दूध है जिसमें हम फाइनली करेंगे, तो बहुत ही डिलीशियस। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह फुल आपको घर में आउटसाइड का टेस्ट मिलेगा। 2, 3 और ये तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून कॉफ़ी ले लिए। ठीक है, इसी में हम जो है ये 4 टेबलस्पून हमारे फुल भर के, सेम आपने लेनी है क्वांटिटी, इसको डिफर नहीं करना। 3 और ये तकरीबन 4 टेबलस्पून हमारे चीनी के हो गए। ठीक है जी, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने बिल्कुल सादा पानी लिए। ठीक है, ये 4 टेबलस्पून है तो इसको हम मिक्स करके हम इसी में तकरीबन 4 टेबलस्पून हम सिंपल पानी ऐड करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर में, इसको गर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, ये 4 टेबलस्पून हो गया। अब इसको हम विस्कर की मदद से ब्लेंड करेंगे यहाँ तक कि ये फुल फोमी हो जाए, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी द बेस्ट इन रिजल्ट्स। ये देखें, इस तरीके से हम इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाएंगे यहाँ तक कि कलर चेंज हो जाए। और अभी तो देखें उठाने से ये नीचे ड्रॉपिंग हो रही है, लेकिन इसका फाइनल होने का ये है कि ये इतनी फोमी हो जाए कि जब हम बिस्कर को उठाएं तो ये बिल्कुल भी नीचे ड्रॉप ना करें। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी लाइट होता जा रहा है, और ये देखें पहले ड्रॉपिंग हो रही थी, अब ये लिक्विडी फॉर्म में आना शुरू हो गई है। इस तरीके से जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतनी अच्छी इंशाल्लाह बनेगी। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसको ब्लेंड करके तो आप इसे एयर टाइट जार में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं, अ वीक के लिए जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। जब आपने यूज़ करना हो अपना जो है वो दूध कप गरम किया और उसमें आप ये मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह ये देखें इसका टेक्सचर आहिस्ता आहिस्ता इस फॉर्म में आता जा रहा है। ये देखें ये इस टेक्सचर में आ चुकी है। ठीक है कि हम अगर उठाते हैं तो वो वापस नहीं गिरती। और इसका एक और तरीका ये है कि आप ये देखें 1 स्पून लिया, इसको हम करेंगे तो ये घिरेगा नहीं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ज़रा भी नहीं घिर रही, इतनी फोमी फॉर्म में आ गई है। इट्स मीन कि ये परफेक्ट है। ठीक है, कलर इसका फुल लाइट हो चुका है और ये इस फॉर्म में आ गई है कि ये दोबारा नीचे नहीं गिर रही। ठीक है जी, ये इसका फाइनल है। दूसरी तरफ हमने अपना जो दूध का मग लिया था उसको सही से बॉयल होने के लिए रख दिया है। वो ये हमारा बॉयल जो है वो फुल आ गया है दूध को, तो इसको हम डालेंगे मग में। ये हमने जो हमने बनाई थी फोमिक, ठीक है, वो आप 1 टेबलस्पून लेंगे बड़े मग के लिए, अगर आपने कप बनाना है तो 1 टीस्पून काफ़ी है। ठीक है जी, ये डाला और फुल गरम उबलता हुआ सादा दूध, ठीक है जी, वो हमने डाला। जितने आप ऊपर रख के डालेंगे उतना ही परफेक्ट ये लुक आएगी। ये जी हमारी परफेक्ट, ऊपर से हमने थोड़ी सी जो है वो गार्निशिंग के लिए वो कॉफ़ी ऐड कर दी है। ठीक है, आप मिक्सचर करें और इन्जॉय करें, द परफेक्ट फोमी कॉफ़ी आपकी रेडी है। ठीक है, और ये जो हमारा मिक्सचर है, ये जो आपने तैयार किए है, ठीक है, इसको आप एयरटाइट जार में बंद करके तो फ्रिज में रख सकते हैं, 1 वीक के लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जब बनाना हो 1 कप दूध लिया, उसको गर्म किया और उसमें अगर मग बनाना है तो आप एक बड़ा टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं और ऊपर से गर्म दूध, और अगर छोटा कप बनाना है तो आप 1 टीस्पून आपके लिए इनफ होगा।